हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का मैं इनके तुलसी क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सीरीज में मैं आप सभी को 2015 का जो पूछी हुई क्वेश्चन है उसका सलूशन लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊँगा ठीक है तो पहली क्वेश्चन आज लेता हूँ पहला क्वेश्चन कहता है कि छियानवे हजार पाँच सौ कुलम्ब विद्युत कॉपर सल्फेट के बिलियन से मुक्त करता है तो कितना ग्राम कॉपर प्राप्त होगा ठीक है मतलब कितना ग्राम कॉपर मुक्त होगा तो देखिए कॉपर सल्फेट को जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो कॉपर पर टू प्लस आयन होता है ठीक है ना तो चार्ज कितना हो गया टू प्लस ना टू हो चार्ज हो जाएगा और आप जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अनुभार बट्टा संयोजकता मतलब अनुभार में आप जब बैलेंसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो उसका तुलना के भार तुलना के भार बोलिए तुलना के द्रव्यमान बोलिए जो बोलना बोलिए ठीक है ठेके? हमें प्राप्त हो जाता है तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा इसका एंसर, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बी होगा कैसे बी होगा कुछ नहीं है आप कॉपर का मोलिक्रो मास कितना होता है उसमें आप आ, चार से डिवाइड कर दीजिए बस इसका आंसर आपको हो जाएगा मैं आपको सलूशन यहाँ कर दिया हूँ आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं ठीक है देखिए जगह हमने हमने सोल्यूसन कर दिया है है ना कॉपर है कॉपर सल्फेट है आप यहाँ लिख देते हैं देखिए कॉपर सल्फेट है कॉपर सल्फेट जब आप डिवाइड करोगे सॉरी इसको डिसोशित करोगे तोड़ोगे तो, तो कॉपर टू प्लस में और सल्फेट टू माइनस चार्ज में क्या हो टूटेगा ठीक है है ना टू हो गया ना इस इस तरह से तोड़ोगे आप तो क्या देख रहे हैं मुक्त कॉपर के पता कितना होगा कॉपर का मोलिक्रो मास कितना होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव होता है टू से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा थ्री वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो आंसर क्या होगा आपका बी होगा क्या होगा आंसर बी होगा आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स ई एफ फोर का आकार क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है क्या होता है वर्ग समतली होता है देखिए जेनोन आर्गन आर्गनकिप्टो जेनोन रेडोन जितने भी हैं सभी ग्रुप अठारह का एलिमेंट होता है और उसका बाहितम इलेक्ट्रोविन जो होता है एन एस टू एन पी सिक्स होता है जो स्टेबल होता है ठीक है तो इसके पास आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा है ना ठीक है तो चार इलेक्ट्रॉन से ये फ्लोरिन से जुड़ जाएगा और चार जो इलेक्ट्रॉन होता है मतलब दो अन दो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो जोड़ा होता है वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा आइए चीज़ को हम ये दिखा देते हैं ठीक है ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो और कम समय में आपको हम सोल्यूशन करके समझा दें ठीक है देखिए एसवा प्लेनेट होता है ना जेन जेन, जेन। पास आठ इलेक्ट्रॉन का तो चार इलेक्ट्रॉन तो फ्लोनों से जूझ ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से जैसे मान लीजिए जेन है इसके जे पास चार इलेक्ट्रॉन है तो एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये ये चार इलेक्ट्रॉन ये चार जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चार फ्लोरिन से क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से ना? और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना जो दो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है यह बॉन्डिंग भागने लेगा ठीक है ना तो लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पर ना होता है कितना होता है दो होता है और सभी फ्लोरीन को आप इसमें क्या करोगे मिला दोगे तो वर्ग समतलीय आकृति हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ठीक है है ना जो आपको यहाँ हम दिखा दें तो वर्ग समतलीय आकृति होती है इसकी संकरण अगर पूछे एग्जाम में तो याद रखना sp3d2 होगा इसका क्या होगा sp3d2 मतलब यहाँ जो होता है आउटर मोस्ट d सबशेल बोलिए या d ऑर्बिटल क्या होता भाग लेता है ठीक है और s का एक p का तीन d का दो ऑर्बिटल यहाँ भाग लेगा तो ये सब मिलाकर कितना होगा 6 ना तो इसे इसको आप याद रखना संकरण कितना होता है sp3, थ्री डी टू वर्क समी इसका जोमेट्रिकल जेम, जेम, शेप होता है चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसका इसका आकृति भी पूछता है एग्जाम में अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिबिस अम्ल क्या होगा देखिए परमल लिविस अम्ल होगा बी आई थ्री होगा ठीक है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें बी एफ थ्री में भी टिक लगा देगा वो कॉन्सेप्ट के अभाव कारण ठीक है आपको बता देना चाहता हूँ कि लिविस एसिड क्या होता है जो लोन पेयर वो पदार्थ जो लोन पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है वही लुविस एसिड होता है जो पदार्थ लोन पेय इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वह लुइस बेस होता है ठीक तो है इस बात इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना तो लुइस एसिड है मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगा यहाँ चारों जो है चारों चारों क्या है लुइस एसिड है लेकिन कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रबल स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड कौन होगा तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना जैसे यहाँ देखिए या बी आई थ्री है बी एफ थ्री फ्लोरिन का साइज छोटा होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन होता है आयोरिन का आकार क्या होता है छोटा होता बड़ा होता, होता है बड़ा होगा ठीक है तो आप हमेशा याद रखना जैसे ये बोरोन है एफ थ्री है ना तो आकार छोटा होगा आकार छोटा होगा तो इसके सेकेंड सेल में जो सात इलेक्ट्रॉन होगा ना तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोन के बीच में क्या होगा डिस्टेंस यहाँ देख जैसे मान लीजिए प्रथम कक्षा हो प्रथम कक्षा यहाँ हो गया दूसरा कक्षा हो गया तो दूसरा कक्षा में जो सात इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है तो इस यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो जो डिस्टेंस हो होगा तीन चार पाँच छः सात ना मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस नज कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा रिपल्सन ज़्यादा होती है ठीक है तो डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच प्रतिकर्षण होने के होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें घट जाती है इसलिए यह सबसे दुर्बल लिविस अम्ल होगा बी एफ थ्री और आयोडीन का आकार आयोडीन का आकार बड़ा होने कारण मतलब आयोडीन का आकार जैसे ही बड़ा होगा ठीक है आयोडीन का क्या होगा जैसे ही बड़ा होगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच मतलब इसके जो ऑर्बिट क्या कहते हैं ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के टेंडेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से उस कक्षक में ना प्रवेश कर सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है ठीक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करेगा तो आप जानते हैं वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है हुआ लुइस एसिड होता है ना तो वो क्या होगा सबसे प्रबल लुइस एसिड होगा तो यहाँ क्या होगा बी आई थ्री सबसे प्रबल लुइस एसिड होगा और सबसे दुर्बल अगर कोई लुवस अम्ल होगा तो क्या होगा बी एफ थ्री होगा इस बात को भी आप नोट करना याद रखना ऐसे भी एग्जाम में आपको आ सकता है ठीक है तो याद रखना एक सीधे सीधी बात कि आकार बड़ा होने कारण ना इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोन डिस्टेंस ज़्यादा होती है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से सबसे ज़्यादा यह रखता है ठीक है ये पदार्थ चलो कौन सा पदार्थ बी आई थ्री ये जो होगा सबसे प्रबल लुइस अम्ल होगा अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया एस कि टू एवं आई टू दोनों गैसीय एसिट में है रिएक्शन करके क्या बनाया टू एच आई बनाया मतलब गैस में तो है इसका साम के पी निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एस टू जो है इसका भी एक मोल है आयोडन का भी एक मोल है दोनों एक एक मोल मतलब दो मोल दो मोल अभी दो, दो मोल भाग लिया है बना है वो भी दो मोल भाग लिया है ना तो दो घटे दो अब जीरो हो गया मतलब शाम स्थिर को प्राप्त कर लिया है तो कहता है केपी हमेशा याद रखना ना साम स्थिर किस पर डिपेंड करता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है ना ही वह कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है ना ही वह अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करेगा समझ गए वह हमेशा डिपेंड करेगा निर्भर करेगा तापमान पर ही डिपेंड करता है जैसे आपको यहाँ पूछ दिया के पी कर कर साम स्तरांग के सी भी के पी के सी भी एक तरह साम स्तरा होता है ठीक है तो ऐसा कर कर भी अगर एग्जाम में आता है तो हमेशा याद रखना वह ताप पर ही क्या करेगा डिपेंड करेगा तो क्या होगा इसका आंसर होगा डी होगा आइए इसको थोड़ा सा हम आपको सोलूशन यहाँ दिखा देते हैं देखिए थ्री का इस चीज को हमेशा याद रखना यहाँ देखिए आपने यहाँ सामने साफ साफ यहाँ लिख दिया है बी एफ थ्री जो लुइस विक लुइस एसिड है ना ये बढ़ते क्रम है इसका इस चीज को हमेशा याद रखना सबसे परवल अगर कोई लुइस एसिड है तो क्या है वो बी आई थ्री है साइज ऑफ आयोडीन सबसे बिग है तो बोरोंद्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण किया जा सकता है ना इसलिए क्या होगा ये प्रबल एच, लुइस एसिड होगा चार का ताप पर डिपेंड करता है इस बात को हमेशा इस चीज़ को याद रखना ठीक है चलिए तो ऐसा इसका क्या होगा इसका आंसर होगा डी होगा कहता किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग इतना दिया है ना के यहाँ दर स्तर के कॉन्सेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पा का पावर दिया हुआ है दो और इंटू बी का पावर वन है वन लिखा नहीं जाता है ठीक है तो इस प्रकार के अभिक्रिया का कोटि क्या हुआ हमेशा याद रखना ऑर्डर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में जो भाग लेता है ना मतलब तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो अभिकारक की सांद्रता का जो घातांक होता है उसी का कुल योगफल जो होता है वह अभिक्रिया की कोटि होता है ठीक है तो हमेशा याद रखना ऑर्डर कुछ नहीं है ना कितना है दो और एक कितना एक दो एक कितना हुआ तीन हुआ आंसर क्या होगा यहाँ तीन होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिलियन के स... किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा देखिए 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ सॉल्यूट है और 200 ml क्या है यहाँ घोल का आयतन है ठीक है ना तो बिलियन के मोलरता आप जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक है बस उसको बैठा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना दे रखा है दो ग्राम दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास ज्ञात करोगे तो सोडियम का तेईस ऑक्सीजन का सोलह हाइड्रोजन का एक जोड़ोगे तो कितना हुआ चालीस हो जाएगा ठीक है बैठा दोगे टू इंटू थाउजेंड बाय फोर्टी इंटू ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दो सौ न तीन सुना कर कट गया दो 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 कट गया वा फोर हुआ भाग दोगे कितना होगा दशमलव टू फाइव मोल प्रति लीटर आंसर इंस, होगा आइस का हम सोल्यूशन भी यहाँ हम आपको करके दिखा दिए हैं देखिए इस जगह है आपका दिया हुआ है ठीक है यहाँ देखिए वेट ऑफ सोल्यूड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दो ग्राम है मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे तो कितना चालीस होगा ठीक है भोलूँ ऑफ सोल्यूशन कितना दो सौ एम एल है ना बैठा दिए हमने क्या हो गया इसका आंसर टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू फाइव मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा ठीक है चलिए बहुत आसान है ना चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कहता है तो इसका आंसर हो गया आपका ये हो गया ठीक है इसका आंसर ये हो गया इसका आंसर ये हो गया अतः अगला कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता हमेशा याद रखना फोन एक ट्रिक याद रखो फोन हेलो कौन हम बोल रहे हैं ना क्या ना सुन होंगे आप लोग फोन फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन से वो जुड़ा हुआ हो जुड़ा हुआ हो तो हमेशा याद रखना उसके बीच क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जैसे देखिए एफ है ना फ्लोरिन तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके बीच क्या है एच बॉन्ड बनेगा एन एच थ्री के बीच एच बॉन्ड बनेगा जल के बीच एच एच बॉन्ड बनेगा ठीक है लेकिन एस सी एल में कहीं देख रहे हैं फ्लोरिन है? है नहीं है ना क्लोरिन है तो हमेशा याद रखना फोन ठीक है ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन यह फ्लोरिन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है याद रखना ठीक है चलिए तो एस क्या होगा बॉन्ड नहीं बनाता है अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है तो हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट है क्या है मोनाजाइट अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा धातु मतलब मेटल पूछ रहा है साधारण तापक्रम पर रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है तो पारा मरकरी मरकरी हो बोलिए मरकरी बोलिए या पारा बोलिए जिसका सूत्र सु, होता है संकेत होता है ना एच जी क्या होता है एच जी पारा का संकेत यही है एच जी ठीक है HG, इस चीज़ को हमेशा याद रखना अगर वही पूछ दे कि रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर दर्व होता है और धातु में तो याद रखना ब्रोमीन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आप ले रहे है इस जगह तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ कितना निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है कम भास्मिक कौन होगा देखो अब ये तुरंत पढ़ा चुके हैं भाष्मिक ना सबसे कम भाष्मिक ऐसे करके पूछे या पूछ देश में सबसे दुर्बल या सबसे कमजोर लुइस भस्म या लुइस लुइस भस्म कौन है ठीक है तो बतवा क्वेश्चन वही होगा अभी पराहम है जो वो पदार्थ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करने के टेने से रखता है ठीक है वह क्या होगा आपका वह लुइस बेस कहलाता है ठीक है तो यहाँ फ्लोरिन ना यहाँ देखिए फ्लोरिन आंसर होगा ठीक है यहाँ डी होगा इसका आंसर कैसे डी होगा देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या होता है डी किस को मार देगा सी तो सी यहाँ नहीं लगाइएगा क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा आपसे गलती हो जाएगा एफ के तो कैसे देखिए तो नाइट्रोजन से फ्लोरिन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन है ग्रुप फिफ्टीन का एलिमेंट होता है इसके पास पाँच भैले इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन जो है यह फ्लोरिन से जुड़े हुए हुए होते हैं एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पर ना एक नाइट्रोजन पर क्या होता है यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और तीन तीन गो जो है इलेक्ट्रॉन आपका फ्लोरिन से क्या होगा? यहां कहीं, कहीं, हुआ यहाँ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो फ्लोरिन जो होता है हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के टेने उसमें ज़्यादा होता है फ्लोरिन में तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकलने देगा नहीं ठीक है मतलब ये डोनेट करने देगा नहीं जिस कारण से ये सबसे कमजोर भस्म भा, होगा ठीक है लेकिन अगर हम एन आई थ्री की बात करें ना तो वहाँ के आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो आयोडीन का जिसका आकार जिसका आकार बड़ा होगा वह कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा ठीक है ना तो यहाँ आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण वो क्या होता है वह वीक मतलब सबसे कमजोर विद्युत ऋणात्मक तत्व होता होगा तो वह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को उतना प्रबल रूप से बांध कर नहीं रखेगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नाइट्रोजन क्या करेगा डोनेट कर देगा लेकिन फ्लोरीन क्या होगा इलेक्ट्रॉन को प्रबल रूप से बांध कर रखेगा उससे प्रेम किया प्रेम करता है ना फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है साइज छोटा होता है हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की से ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है जिस कारण से वो ना नाइट्रोजन यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा ठीक है तो वह बेस कमजोर ही होगा ना मतलब वह सबसे वीक बेस होगा ठीक है मतलब वीक लुइस बेस होगा याद रखना इस चीज़ को देखिए इसका हम दस का आपका हम सोल्यूशन यहाँ करके दे दिए हैं ठीक है इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना ठीक है और इस सीरीज को भी याद रखना है ना देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना ठीक है एन एफ थ्री से एन आई थ्री की ओर ना बेसिसिटी बढ़ती है मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा एन आई थ्री होगा सबसे वीक अगर कोई होगा लिस्ट बेसिक होगा मतलब वीक बेस होगा तो एन एफ थ्री होगा इस बात को हमेशा याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस जगह एस्टोसोफोर क्या है तो एस्टोसोफोर क्या है अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल है ठीक है ना निम्न में निम्न से कौन सा हरा थोथा है हरा थोथा हरा कशिश हरा तूतिया ना एफ ई एस ओ फोर इंटू सेवन एच टू को हम क्या बोलते हैं हरा बोलते हैं जबकि सी यू एस ओ फोर मतलब कॉपर सल्फेट इंटू फाइव एच टू को हम क्या बोलते हैं नीला कशिश नीला तो थोथा या नीला बोलिए ठीक है ठेके? उसको हम कहते हैं इस चीज को हमेशा बार बार एग्जाम में आती है कहता है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है तो डी ब्लो के एलिमेंट को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ठीक है डी तो ब्लो के एलिमेंट को ही ट्रांज, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से बुलाया जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहां है तो ये हो गया इसका डी हो गया सॉरी डी ब्लॉक हो गया मतलब इसका तेरा सी ओ ऑप्शन हो गया कहता सल्फाइड ऐस का समाहरण किया जाता है या क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है सल्फाइड एस एसक, का ऐस एस्को का सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा फेन पलवन विधि बोलिए या झाग पलवन विधि बोलिए ठीक है ठेके? सोडियम आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है तो सोडियम लिथियम सोडियम पोटासियम रूबिडियम सीजियम जितने भी होता है वो सभी ग्रुप एक का एलिमेंट होता है ठीक है और उसी ग्रुप एक एलिमेंट को हम छाड़िए धातु के नाम से भी है उसको हम जानते हैं अगला अगला है क्वेश्चन आपका कहता है भूपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है तो देखो इसमें ऑप्शन में अगर ऑक्सीजन होगा तो आपको ऑक्सीजन लगाना ठीक ठीक है लेकिन यहाँ सिलिकन दिया हुआ है हमेशा याद रखना भूपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व हो, होता है तो वो ऑक्सीजन होता है दूसरा स्थान पर सिलिकन तीसरा स्थान पर एल्यूमोनियम लेकिन धातु पूछे तो एलुमुनियम टिक लगाना आंसर क्या होगा यहाँ ए होगा क्या होगा ए होगा आयुष था इस सीरीज को आप याद रखना इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ क्वेश्चन हम आपको ध्यान दे रखे हैं देखिए इस जगह ठीक है इस 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 जगह पर ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होता है छियालीस दशमलव छः का सत्ताईस दशमलव सात एल्यूमिनियम का आठ दशमलव तीन लोहा का पाँच दशमलव एक कैल्शियम का थ्री दशमलव सिक्स सोडियम का टू पॉइंट एट ये परसेंटेज वेट के अकॉर्डिंग है ठीक है तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ठीक है उसके बाद दूसरा स्थान पर सिलिकन तीसरा स्थान पर एलमुनियम तथ पूछे तब लेकिन धातु अगर पूछे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व धातु कौन है तो एलुमुनियम होता है दूसरा स्थान पर लोहा होता है ठीक है लेकिन तथ्य पूछे तो ऑक्सीजन ठीक है ऑप्शन ऑक्सीजन उक्ष, ना रहे सिलिकन दिया रहे ठीक है तो आप सिलिकन पर टीके लगाना है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ठीक है बहुत सारे गैस पेपर में भी, भी, भी बहुत सारी गलतियाँ रहता है ठीक है मै कहता है मै मालाकाइट ऐस है किसका कॉपर का क्या होता है कॉपर का मालाकाइट होता है ठीक है ना तो मालाकाइट ऐस किसका है कॉपर का आई इस को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बताना चाहूँगा ठीक है ना देखिए मेला मेलाकाइट जो है उसका सूत्र होता है सी यू सीओ थ्री मतलब सी यू सीओ थ्री इंटू सी ओ एच होल ट्वाइस ये होता है मेलाकाइट का सूत्र होता है ठीक है और ये इसका क्या हुआ एस हो गया ठीक है चलो इस चीज याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है इसमें कि कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है तो सी यू एफ ई एस टू होता है कॉपर पायराइट का सूत्र सूत्र होता है एलुमिनियम का एस का नाम क्या होगा जी एल्युमिनियम का एस का नाम होता है बॉक्साइड होता है क्या होता है बॉक्साइड ठीक है इस इसको हमेशा याद रखना ठीक है चलिए इस इसको याद रखना चलिए देखिए बॉक्साइड हमेशा सारा आंसर यहाँ लिख दिए हैं बॉक्साइड Al2O3 एल टू ओ थ्री इंटू टू टू ठीक है चलिए एक बार हम उसका भी पूरा हम दिखा देंगे आंसर सीट ठीक है आप वहाँ से भी जाए हैं तो एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीन ले सकते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि के फोर सी एन सिक्स क्या है तो एक कम्प्लेक्स साल्ट होता है जटिल लवन होता है ठीक है तो यहाँ आपका हमने आंसर लगा दिया है चलिए कहता है एल्किन का समान सूत्र क्या है तो एल्किन एल्कि है ना कि एल्केन है एल्किन इन है ना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का क्या होता है हमेशा याद करना सी एन एस्टोन होता है एल्केन पूछे तो सी एन एस्टोन प्लस टू होगा एल्काइन पूछे तो सी एन माइनस टू होगा इसका आंसर क्या होगा इसका ए होगा किसका देखिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं इस जगह देखिए कार्बन कार्बन बीच में अगर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सर्फिस क्या होता है एन होता है ए एन ई डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई ट्रिपल बॉन्ड होता है गा? तो वाई एन ई समझ गया अगर प्रसंकरण पूछे तो एल्केन में है ना एस पी थ्री एल्किन में एस पी टू एलकाइन में एस पी और फॉर्मूला क्या होता है सी एन एस टू वन प्लस टू एल का सी एन एस टू वन एल्किन का और सी एन एस टू वन माइनस टू किसका होता है एल्काइन का होता है चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कहता है आपका दिया हुआ है कि इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा तो इथेन देखिए इथेन है सी एच थ्री और सी एच थ्री मतलब क्या सी टू एच सिक्स मतलब यह क्या होगा बजे सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रश्न क्या होगा एस पी थ्री डबल बॉन्ड होता जैसे दे देता है इथिन ना डबल बॉन्ड तो एस पी टू होता या दे देगा इथाइन तो एस पी होगा ठीक है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरबंध देता है ना या कैसा या ऐसे करके कर दे क्वेश्चन कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो शुष्क आसवन क्या ड्राई डिस्टिलेशन तो इसका क्या होगा आंसर हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कैल्शियम फॉर्मेट का जब भी ड्राई डिस्टिलेशन किया जा जाएगा तो फॉर्मल रिहाड देगा क्या देगा जी फॉर्मल रिहाट देगा एच सी एच ओ देगा क्या देगा दे जी एच सी एच ओ हमेशा इस चीज़ को याद रखना ठीक है कैसे देगा एच सी एच ओ तो इस चीज़ को आपको हम अभी तुरंत बताते हैं इस जगह देखिए इस जगह ठीक है ना चलिए देखिए यहाँ दे समझने की कोशिश कीजिएगा आप ठीक है देखिए है ना एस सी एच ओ कैल्शियम कैसे तो एच सी डबल ओ होल टू एस सी ए कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं तो जब आप इसको डायरेक्ट डिस्टिलेशन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको एच सी एच ओ प्राप्त होगा हमेशा याद रखना अगर यही क्वेश्चन दे देंगे क्या कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम एसीटेट तो कैल्शियम एसीटेट जैसे होगा तो यहाँ क्या होगा सी एच थ्री सी डबल ओ होल ट्वाइस एच सी ए होगा तो इसका जैसे डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या होगा एसीटोन हमें हमें प्राप्त होगा क्या होगा जी एसीटोन कैसे ताइए चीज़ को हम थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं जैसे आपको यहाँ है ना जी एच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ तो ये होल्टवाइ करके कर दिया था इसको हम तोड़कर समझा रहे हैं आपको ठीक है ना जैसे इसको ड्राइट डिश्लेषण किया जाएगा तो सर टेक्निक सीखिए यहाँ से हटा दीजिए क्या बनकर निकल जाएगा कैल्शियम कार्बन बनकर निकल जाएगा सी ए सी ओ थ्री बनकर निकल जाएगा और ये जो है एच सी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये एच ये एक साथ इसके साथ निकाल दीजिए तो क्या बनकर निकल जाएगा यहाँ एच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड मतलब क्या थॉर्मल डेयर बनकर निकल जाएगा लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आकर आपको पूछे कि कैल्शियम एसिटेट कैसे लिखोगे तो सी एच थ्री कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना कैल्शियम एसीटेट करके क्वेश्चन अगर पूछता है ठीक है एक मिनट है ना ऐसे करके दे तो क्या होगा यहां से इतना पोर्शन निकाल दीजिए कितना इतना पोर्शन निकाल दीजिए ठीक है तो कैल्शियम कार्बो, कार्बो कार्बोनेट बनकर निकल जाएगा और क्या बचेगा आपको तो बचेगा सी एच थ्री कार्बो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सी एच थ्री क्या बन गया एसीटोन बनने बन गया ठीक है तो अगर पूछे ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा जवाब दे, देना आप लोग चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है समान ताप और दाप पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है तो बाईस पॉइंट चार लीटर होता है इस बात को हमेशा नोट रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवोगेडोन नंबर बराबर होता है किसके तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू दस बराबर तेईस या ऑप्शन में दिया रहे जैसे आपको दिया हुआ है अभी है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू सॉरी सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री ना तो ये इसका आंसर होगा हमेशा ये पॉजिटिव में होता है इथाइन है ना इथाइन इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है सी टू टू होता है तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड ना तो हमेशा याद रखना इसमें दो पाए बॉन्ड होगा ना एक सिग्मा बॉन्ड होगा ठीक है इस कार्बन कार्बन के बीच में दो पाए दो पाए होगा एक सिग्मा होगा ना तो कार्बन कथा है कि थाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा तो पाई बॉन्ड कितना होगा यहाँ दो होगा कितना होगा दो तो छब्बीस का क्या होगा बी होगा छब्बीस का क्या होगा आंसर बी होगा ठीक है कहता है आधुनिक कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मौसले साहब ने बनाया था मतलब मौसले बोलिए या मौजले बोलिए ठीक है ठेके? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है क्या होगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं क्या होगा इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में होता मोसले तो आप यहाँ टिक लगाता ठीक है अट्ठाईस नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ही यहाँ गलती दिया हुआ है कहता है कि कौन क्षार्य भूमि तत्व है ना तो क्षार्य भूमि तत्व जो होता है वह बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम ना ये सब दूसरी जो एलिमेंट होता है बेटा मांगे कार ससुर बापराजी ना इस तरह का आप ट्रिक याद किए होंगे नहीं किए हो तो याद कर लेना ठीक है बेटा मतलब बेरिलियम मांगे तो मैग्नीशियम बेटा मांगे कन्या कैल्शियम सुंदर एस्ट्रोनशियम ससुर बापराज बेरियम ना तो बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम एस्ट्रोनशियम और अब, राज, न, बेटा मांगे कार बेटा मांगे सुंदर कन्या ससुर बाप राजी ना बेरियम ठीक है तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्टोनशियम और ये सभी एलिमेंट आपका आता है वर्ग दो का जिसको हम बोलते हैं छाड़िए भूमिज तत्व बोलते हैं या क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं ठीक है तो यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ आपका गलती दिया हुआ है ठीक है ना अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा क्षारीय तत्व है तब तो सोडियम आप टीके लगाते हैं ना लेकिन यहाँ जितना भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन गलती दिया हुआ है इस तरह का मिस ना मिस्टेक नहीं करना चाहिए एग्जाम एग्जामिनर का यहाँ मिस्टेक है ठीक है और वो एक बार सोचना चाहिए उसको कि जब आप इतने बड़े एग्जाम ले रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार हम देख लें लेकिन फिर भी मिस्टेक कर देख ही देता है ठीक है तो ये बोर्ड की तरफ से मिस्टेक था उस सेशन में दो हज़ार पाँच पंद्रह में ठीक है तो ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आइए आपको अपने हमने आपको बोला था कि इसका एक बार हम आपको हम पूरा आंसर शीट आपको हम दिखा देंगे ठीक है तो आइए यहाँ देख लीजिए पहले का पहला हो गया इसका दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा दसवा ग्यारहवा बारवा, हरा तो था को नीला तो था ना ठीक है ये सब हम लिख दिए यहाँ तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ना? तेईस यहाँ है चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाईस तो आपका ऑप्शन ही गलती दिया हुआ है ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको कहीं न कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी और आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन सीरीज हमने आपको बनाया है वो सारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं ठीक है अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो आप क्वेश्चन इलाज करना चाहते हैं तो आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर ठीक है और हम आपको फिर न्य, न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं ठीक है थैंक यू गॉड ब्लेस यू बाय बाय गुड नाइट